हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी करेले की सब्जी। वैसे करेला तो एक हेल्दी सब्जी है, पर इसके कड़वेपन के कारण अधिकतर लोग इसे पसंद नहीं करते। पर आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी और ये बच्चों को भी खूब पसंद आएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम करेले लिए हैं और इसे गोल गोल पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। सबसे पहले हम करेले में 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से करेले में इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इस रेसिपी के लिए हमें इमली के पल्प की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हम इमली को गर्म पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रख देंगे। सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियां और एक छोटे टुकड़े अदरक को मिक्सर ग्राइंडर में लेके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। आधे घंटे के बाद करेले ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा हाथ में लेकर दोनों हाथों की मदद से अच्छे से निचोड़ के इसका पूरा पानी निकाल लेंगे। इस पानी में ही कड़वाहट होती है। जब हम इसे करेले से निकाल देते हैं और उसके बाद इसकी सब्जी बनाते हैं तो ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगती है। इसके बाद पैन में तेल गर्म करके करेले को हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेंगे। अच्छे से डीप फ्राई करने के बाद हम इसे तेल से निकाल लेंगे। इसके बाद हम तेल में 1/4 कप मूंगफली को फ्राई कर लेंगे। अच्छे से भुन जाने के बाद हम इसे तेल से निकाल लेंगे और इसे कटोरी या ग्लास की मदद से हल्का क्रश कर लेंगे। इसके बाद पैन में तेल गर्म करके 1 चम्मच राई और 2 हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं और इसके बाद तैयार करके रखा हुआ प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। मसाले को थोड़ा सा चलाने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला लेंगे। इससे पहले भी हमने करेले में नमक और हल्दी ऐड किया था, इसलिए हम मसालों में केयरफुली नमक ऐड करेंगे ताकि नमक ज्यादा ना हो। मसाले को हमें मीडियम लो फ्लेम में जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए तब तक पकाना है। जब मसाले से तेल अलग हो जाए तो हम फ्राई किए हुए करेले को इसमें ऐड कर लेंगे। करेले को मसाले में अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसमें जो इमली भिगो के रखी हुई थी उसका पल्प निकाल लिया है, इसे मिला लेंगे और जो मूंगफली भून के रखी हुई थी उसे क्रश कर लिया था इसे भी मिला लेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मिला लेने के बाद हम इसे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन हटा लेंगे। हमारी सब्जी तैयार है। अब इस स्टेज पे हम 1/2 चम्मच से भी कम शक्कर ऐड करेंगे। ये शक्कर हमारे सब्जी के टेस्ट को बैलेंस करेगी। इससे सब्जी मीठी नहीं होगी बल्कि और स्वादिष्ट हो जाएगी। अब हमारी सब्जी पूरी तरह से बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।